आज की वीडियो में बात करने वाले हैं Realme के एक न्यू फोन के बारे में जिसका नाम है Realme 5i। इसकी सारी डिटेल जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। हे गाइस, आप सबका स्वागत है मेरी न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। नवा साल आया नहीं के Realme भी लाइक नवा नवा साल है, नवा नवा माल है। हर एक साल हर एक बार स्टार्टिंग में ही Realme अपने न्यू फोन लॉन्च कर देता है। अगर मैं इस बार बात करूं तो 2020 प्रॉपरली स्टार्ट हुआ ही नहीं था कि Realme की न्यू लॉन्च डेट सामने आ चुकी है। न्यू लॉन्च डेट है उनकी 9th जनवरी को वो लॉन्च करने वाले हैं Realme 5i। वापस Realme 5 सीरीज के अंदर एक न्यू फोन आने वाला है, ये होगा सब 10,000। अगर मैं सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको मिलेगा प्रोसेसर का स्नैपड्रैगन 665। आपको सेम डिस्प्ले देखने मिल जाएगी जो Realme 5 एंड 5s में देखने मिली थी, 720p डिस्प्ले। बैटरी भी आपको सेम देखने मिल जाती है, 5000 mAh की बैटरी। उसके अलावा इसके जो पीछे का कैमरा सेटअप है, रियर कैमरा सेटअप, वो आपको सेम टू सेम देखने मिलेगा जो आपको Realme 5 में देखने मिला था। मेन कैमरा होगा 12 MP का, वाइड एंगल होगा आपका 8 MP का, 2 MP का डेप्थ सेंसर होगा, 2 MP का मैक्रो सेंसर होगा। वापस प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी आपको देखने में लाई जाएगी, स्लो चार्जर इनबॉक्स देखने मिल जाएगा, USB पोर्ट आपको चार्जिंग के लिए देखने मिल जाएगा। इसमें चेंज कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट जो इनका जो फ्रंट कैमरा था Realme 5 में वो 13 MP का था, और Realme 5i में जो न्यू फोन लॉन्च होने वाला है उसके अंदर आपको 8 MP का फ्रंट कैमरा दे दिया। तो यहाँ पे सिर्फ डाउनग्रेड या कोई फीचर देखने मिलता है, कुछ अपग्रेड देखने नहीं मिलता। उसको क्यों लॉन्च किया जा रहा है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। उसके अलावा इसके अंदर एक बहुत बड़ा मेन इंपॉर्टेंट चेंज भी किया है Realme की तरफ से, कि आप गेस कर सकते हैं वो चेंज क्या हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सोचा, Realme 5i नाम चेंज है, इन्होंने i लगा दिया इस बार, iPhone इंटेलिजेंट। हमको पागल बना रही है Realme कंपनी। पहले Realme 5 लॉन्च किया, फिर Realme 5s लॉन्च किया, अब Realme 5i लॉन्च किया। स्पेसिफिकेशन में कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ कैमरास के अंदर थोड़ा बहुत चेंज करके करके हमको एक ही फोन बार बार चुपका दे जा रहे। वो समझ नहीं आ रहा है इनको अपना शौक खत्म करना है, करना क्या है, जिसकी वजह से वो सेम फोन बार बार दे रहे। ये फोन नहीं खरीदने की सबसे बड़ी वजह यही है कि सेम स्पेसिफिकेशन, और दूसरी बात कि अभी Realme 6 भी बहुत जल्दी आ जाएगा, Realme 6 एंड 6 Pro। अगर Realme 6 आएगा तो वो सारे Realme 5 को सीधा मतलब डाउनग्रेड कर देगा, मतलब Realme 6 ज्यादा बेटर आएगा। ऑब्वियसली बात है कि आप अगर न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हो तो न्यू अपग्रेड के साथ फोन देंगे। तो अगर आप Realme 6 देने वाले हैं फरवरी अराउंड मार्च के आसपास, तो आप क्यों दे रहे हैं Realme 5 का न्यू फोन? मुझे बस समझ नहीं आ रही है, ये सिर्फ लॉन्च को लॉन्च करते जा रहे हैं Realme वाले बिना कुछ सोचे समझे। आप लोगों का इस बात में क्या कहना है नीचे कमेंट जरूर करिएगा। उसके अलावा मैं अगर आपको बात करूं तो इसकी प्राइसिंग होगी अराउंड 7,500 की 8,000 के बीच में। इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि 9,000 का तो आपको Realme 5 देखने मिल जाता है, तो अगर वो 8.5 या 9,000 रखेंगे तो उसको कोई खरीदेगा क्यों? तो आपको उसको सस्ता ही रखना पड़ेगा क्योंकि आपने एक फीचर डाउनग्रेड कर दिया है। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है इसके प्राइस होगी 7,500 के बीच में और 8,000 के बीच में। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ, स्पेशली उन फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जो Realme के साथ काफी ज्यादा अटैच्ड हैं, जिनको Realme के फोन पसंद आते हैं, ताकि उनको पता चले कि Realme आपको एक ही फोन बार बार अलग अलग नाम से चुपकाता जा रहा है, ताकि वो अवेयर रहे और कोई भी फोन खरीदने से पहले उसको अच्छे से स्पेसिफिकेशन का जांच कर ले। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।